नगर परिसर ठेकेदार हनुमान सिंह आत्महत्या मामले में राजपुरोहित समाज ने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की उठाई मांग। जिला मुख्यालय पर आज सैकड़ों की तादाद में राजपुरोहित समाज के समाज बंधुओं ने समाज के नगर परिसर के ठेकेदार हनुमान सिंह आत्महत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि घटना के बाद इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया। इस पूरे मामले में जो परिवारजनों की जो मांगे थी, उस मांग में कुछ मांगे जो पेमेंट का भुगतान का था, जो बिल बन चुके थे वो उनका पेमेंट हो गया था, और बकाई जो मांगे थी उसमें से नौकरी की और मुआवजे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार अनुशंसा की है। और अभी तक जो सबका रोष है वो रोष इस बात को लेकर है कि अभी नामजद आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। चेयरमैन, उनके पति और कमिश्नर और जो लेखाकार उनकी जिनके नाम है वो सस्पेंशन की जो कार्रवाई की लेकर समाज की मांग है। कल शाम को भी हम लोग हनुमान सिंह जी के परिजनों के साथ में, उनके दोनों पुत्रों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जोधपुर में मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस मामले को सुना है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस मामले को लेकर ठोस कार्रवाई करेंगे। और आज हम सब की ओर से कलेक्टर साहब से भी यही कहे कि भाई जो नगर परिषद में जो व्याप्त अनियमितताओं की जांच जो पेंडिंग है, वो अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट जल्द जल्द राज्य सरकार को भेजी जाए ताकि सरकार की ओर से जो कार्रवाई लंबित है वो पूर्ण हो जाए। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आज या कल तक वो रिपोर्ट चली जाएगी म्यूनसिपलिटी में जो भी अनियमितता है, ताकि उन दोषियों के खिलाफ में सस्पेंशन की कार्रवाई हो। एसपी साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने एफएसएल में भेजने की बात है उसमें कहीं की डिलेई रही। हम सबका ये मानना था कि भाई ये चार दिन पहले ही चली जानी चाहिए थी। एस साहब ने कहा कि नगर परिषद से हमने डॉक्यूमेंट मांगे वो मिले नहीं, तो नगर परिषद से जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट लेके एफएसएल की ओर जाए ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी का जो कार्य है वो पूर्ण हो सके। और हम सभी समाज के लोग भी 36 कौम के साथ मिलकर हनुमान सिंह जी को, परिवार को, उनकी आत्मा को किस तरह से न्याय मिले और फिर कोई वाकया पाली में इस तरह का करप्शन का, भ्रष्टाचार का नहीं हो, इसको लेकर लगातार तत्परता के साथ जितना बन पड़ेगा हम सब लोग मिलकर इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे और हनुमान सिंह जी के परिवार को किस तरह से न्याय मिले उसे सबके एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे। और संघर्ष लंबा करना पड़ेगा, उस संघर्ष को भी करते रहेंगे।